तस्य भंग प्रकल्पना संस्थाप्य शासनम द्विधा योग वेदैर्यथोदितैः गुणयित्वाखिला भंगास्तस्यानेया यथागमम्। चूंकि शासादन कभी शब्र भूमि को प्राप्त नहीं होता, इसकी इसलिए कोई वजह नहीं। सिद्धांत स्वभाव है। तो मिश्र वैक्रिक वैक्रिक मिश्र योग में स्त्री और पुरुष वेद ये दो तो हो सकते हैं शासाधन सम्यक दृष्टि, देवपति की अपेक्षा लेकिन नपुंसक वेद नहीं हो सकते। इसलिए 12 योगों के साथ मिश्र वैक्रियक को मिलाकर त्रिभिर द्वाभ्याम च भेदाभ्याम, तीन और दो भेदों के साथ तस्य भंग प्रकल्पना, उसके भंगों की प्रकल्पना हो जाती है, व्यवस्था हो जाती है। और द्विधा शासनम संस्थाप्य, दो प्रकार से शासन को संस्थापित करके योग वेदैर यथोदितैः, जैसे कहे गए योग और वेद हैं उनके माध्यम से गुणित्वा गुणित करके अखिला भंगास्तस्य तस्य उसके अखिल भंग यानी सभी भंग यथागमम आने यहा आगम के अनुसार लाने चाहिए, लाने योग्य है। वैकृत मिश्का योग की अपेक्षा नपुंसक वेद संभव नहीं है क्योंकि शासन सम्यक दृष्टि जीव नरक गति में उत्पन्न नहीं होता है, ऐसा आगम का वचन है। फिर शासन सम्यक दृष्टि के 10 बंद प्रत्यय संबंधी भंगों को निकालने का प्रकार इस प्रकार है। इंदे में यो काउ कोहाई चौके वेदोय हस्साई ज्वेल मेयम जो गोदस पच्चया सादे। इंद्रिय, फिर एक काय, क्रोधादि चतुष्क, एक वेद, हास्यादि युगल में एक, फिर योग, ऐसे 10 प्रत्यय बनते हैं। शासन स्थान में 10 बंद प्रत्यय का स्थान इस प्रकार बन जाता है। फिर उसके भंग कैसे बनेंगे, उन्होंने भंग बना के दिखाए हैं। विशेषांत, शासन गुणस्थान वाला जीव नरक गति को नहीं जाता है, इसलिए इस गुणस्थान वाले की यदि वैकृत मिश्र का योग होगा तो देव गति की अपेक्षा से होगा, और वहां स्त्री और पुरुष वेद दो ही वेद होते, नपुंसक वेद नहीं होता। अतएव 12 योगों के साथ तीनों वेदों को जोड़कर भंगों की रचना होगी। बारह तदनुसार 12 संयोग बारह योग लेंगे औतारिक तो और आहार वो छोड़ देंगे, आहार आहार मिश्र छोड़ देंगे और वैकृत मिश्र छोड़ देंगे, औदारिक मिश्र, औदारिक मिश्र तो बन सकता है शासन, कोई जीव शासन हमें दृष्टि मनुष्य पर्याय में तो आ ही सकता। कुछ और योग भी छूटेंगे, योग 15 होते हैं ना, तो इसमें 12 है तो तीन ही छूट रहे हैं ना, तीन ही छूट रहे हैं, वैकृत मिश्र और दो आहारक, आहारक आहारक मिश्र, तो 15 में से तीन कम कर दिए तो 12 हो गए। किंतु वैकृत मिश्र योग के साथ नपुंसक वेद को छोड़कर शेष दो वेदों की अपेक्षा भंग की रचना होगी। तदनुसार 576 बनेंगे। इस प्रकार दोनों प्रकार से भंगों का जोड़ 10,944 हो जाता है।
इंद्रिय दोन्य काया गुहाई चौके वेदोय असाय ज्वलमेयम जोगो इकारसाय सादे। अथवा इंद्रिय एक काय दो क्रोधादि कषाय चार वेद एक आस्यादि युगल एक और योग एक। इस प्रकार 11 बंद प्रत्यय होते हैं। इंद्रिय में ऊ काऊ गुहाई चौकये वेदोय असाय द्वयम् एयम् भय द्वयम् च जोगोय। अथवा इंद्रिय एक काय एक क्रोधादि कषाय एक वेद एक हास्यादि युगल एक भय द्विक में से एक और योग एक। इस प्रकार 11 बंद प्रत्यय हो। जैसे मिथ्यात्व में अलग अलग वो बताए थे ना, तो यहाँ पर प्रत्यय 11 प्रत्यय 12 प्रत्यय ये सारे स्थान बता रहे हैं। फिर भंग की संख्या तो अलग से दे ही रहे हैं। किस बोल पढ़ा रहे हैं? 25 बोल पढ़ा रहे हैं? नहीं, पंच संग्रह। इंद्रिय दोन्य काया गुहाई चौके वेदोय असाय द्वयम् एयम् भयदोय च जोगोय। तो इंद्रिय एक काय दो क्रोधादि कषाय चार वेद एक हास्यादि युगल एक भय द्विक में से एक और योग एक। ये 12 बंद प्रत्यय होते हैं। तो 10 बंद प्रत्यय वाला एक बताया, फिर 12 प्रत्यय वाले 11 वाले भी बताए, फिर 12 प्रत्यय वाले। यहाँ काय तो कहे, तो काय कहे, हाँ जी, तो वैकरी और औदारिक काय बनेंगे। स्थावर काय, अच्छा, और त्रस का इसका मतलब वो योग की बात नहीं, अभी काय की बात चल रही। हाँ तो काय में फिर स्थावर और त्रस काय दोनों होंगे। तो स्थावरों में साथ साथ अंगुना स्थान मान रहे। मान रहा ना, बता रहा आपको कि सासदंग स्थान वाले अग्नि का एक वायु वायु का एक और सूक्ष्म जीवों में उत्पन्न है वज्जे ठाण चौक्कम चार स्थान छोड़कर नरक में अग्नि का एक में वायु का एक में और सूक्ष्म का एक में सासादन जीव उत्पन्न नहीं होता। अन्नत सर्वत्र उपजते सासनों जीवो, अन्य सर्वत्र सासादन वाला जीव उत्पन्न हो सकता है। तो इसलिए इस गाथा के मतानुसार ये सब बन सकते हैं। इंद्रिय मेयू काऊ गुहाई चौके वेदोय असाय द्वयम् एयम् ए जोगोय। अथवा इंद्रिय एक काय एक क्रोधादि कषाय चार वेद एक हास्यादि युगल एक भय युगल और योग एक। ये 12 बंद प्रत्यय हो सकते हैं। बंद प्रत्यय प्रत्यय शब्द का कारण है। इसका मतलब सैनी जीवों से नीचे जो जीव है उन्हें भी हास्य और रति उदय में है और है ना, वे बंध के प्रत्यय है, तो उन जीवों के भी बाह्य निमित्त से प्रसन्नता रति भाव अरति भय जुगुप्सा शोक सभी संवेदनाएं उत्पन्न होती है। बिल्कुल। बस ये कि स्थावर काय में वो अव्यक्त रहती है, उनकी भी सारी हाँ संवेदना कर्म फल चेतना है वहां पर, हाँ इसलिए इच्छा अनुसार कुछ नहीं कर सकते। जो उदय से हो लेकिन रहा है वो हो रहा है। पंचास्थिकाएं में जो चेतनाओं का वर्णन किया तो समय टीका में प्राधान्य इन चेतयन हाँ, प्राधान्य देखिए प्राधान्य शब्द जो है ना वो
जिनके पास अकेली कर्म फल चेतना है उनके साथ लगेगा, अपन देख लेते हैं। कर्म फल चेतना और कर्म चेतना गौण रूप से माननी पड़ेगी, एक दो जगह पर प्राधान्य न आया। हाँ, ये महत्व की बात है, कर्म फल चेतना के साथ बहुत बड़ी और बात हो गई। कर्म चेतना के साथ भी आया, सही कहा, देख लेते हैं। और कज्जुदम हाँ, जुद शब्द किसी के साथ वाली जोड़ बात। करके, जोड़ करके, वो तो हाँ सही कह रहे हैं आप। ये अभी हम निकाल रहे, 39वीं बात है। हाँ अच्छा, इसमें अमृतचंद आचार्य ने प्राधान्य शब्द का प्रयोग नहीं किया। एक गाथा पहले वाली और देख ली थी, 38 गाथा। 38वीं। एक ही चेतितारह प्रकृष्टतर मोह बलि मसीन, प्रकृष्टतर ज्ञानावरण मुद्रितानुभावेन, चेतक स्वभावेन प्रकृष्टतर वीर्यांतरायावसाधित कार्य कारण सामर्थ्या सुख दुख रूपम कर्म फलमेव प्राधान्येन चेतयन्ते। अपे करण शब्द या कार्य कारण सामर्थ्या या कार्यकरण सामर्थ्य करण होना चाहिए। करण होना चाहिए हाँ दोनों जगह पर। बिल्कुल सही कह रहे हैं हम। और दूसरी प्रति देख लेते, ये तो मुख्तार जी वाले या नहीं, महावीर जी वाली प्रति है। दूसरी प्रति देखते, अगास कारंजावादी प्रति में भी भोरे का अनुवाद कार्य कारण सामर्थ्य लिखे। कार्यकारण, वहां घटित ही नहीं हो सकता, कार्यकारण हाँ ही बनेगा। वो खटक रहा है। अगस्त में भी कार्यकारण लिखा, और देखते हैं पंचास्तिका है। उसमें भी कार्यकारण लिखा हुआ है। अनुवाद में कार्य करने का सामर्थ्य नहीं, वो पक्की बात है, वो संपादन में चूक होती है कई बार, और कभी-कभी स्वाध्याय के समय ये बात निकली थी वहां पर, जब हम लोग वहां पंडित पन्नालाल जी के साथ इसका स्वाध्याय कर रहे थे। इसमें भी कारण लिखा है, ये हमने जब पहले पढ़ा था ना आपके सामने एक दिन, तब भी हमने ये बात रखी थी कि इसमें करण कार्य कारण नहीं हो सकता, कार्य करण होगा, वो आपने बताया था वहां, आखिरी मात्रा में चूक हो गई है। अपन वहां बैठे थे उस हॉल में। हाँ जी, प्रकृष्टतर वीर्यांतराय अवसाधित कार्य करण सामर्थ्य। वीर्यांतराय से क्या अवसाधित होगा, कार्य कारण की सामर्थ्य कैसे अवसादित होगी, कार्य करने की शक्ति का अवसादन होगा ना। सुख दुख रूपम कर्म फलमेव प्राधान्येन चेतयन्ते।
सुख दुख रूप जो कर्म का फल है उसी को प्रधान रूप से चेतते हैं, उसका वेदन करते हैं, उसका अनुभव करते हैं। अन्य तो एक अन्य जो जीव राशि है वह प्रकृष्टतर मोह मलिस मसेन आपी, प्रकृष्टतर मोह मिथ्यात्व से मलिन होने पर भी प्रकृष्ट ज्ञानावरण मुद्रितानुभावी न, और प्रकृष्ट ज्ञानावरण से मुद्रित हो गया है अनुभव अर्थात प्रभाव जिनका, ऐसा जो चेतक स्वभाव है उसके द्वारा मनाग वीर्यांतराय क्षयोपशमासादित कार्य करण सामर्थ्य, कारण छपा है थोड़े वीर्यांतराय के क्षयोपशम से प्राप्त हुआ है कार्य करने का सामर्थ्य जिनको, वे जीव त्रस पर्याय वाले जीव सुख दुख रूप कर्म फलानुभवन संवलितम अपि, सुख दुख रूप जो कर्मों के फल को भोगने रूप जो परिणति होती है कर्म फल चेतना कहते हैं जिसको भोक्तृत्व, उससे मिश्रित होते हुए भी कार्य में वो प्राधान्य चेतन, कार्य ने पुरुषार्थ का ही प्रधान रूप से वो वेदन करते हैं। उतना वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम है, व्यवहार में भी देखते हैं महाराज। जैसे दीपक की या कोई गर्म बर्तन को अपन छू ले तो हाथ हटा लेते हैं, और जंगल में अगर अग्नि लग जाए वनस्पति अपने अवयवों को हटा नहीं सकते, तो ये हटाना जो है वो कर्म चेतना है, कार्य चेतना है, और न हटाते हुए सिर्फ सुख दुख भोगते रहना वो कर्म फल चेतना है। लौकिक में हम देखते हैं दुर्बल व्यक्ति बिल्कुल असहाय, अन्य जनों के द्वारा किया गया अन्याय निरुपाय होकर चुपचाप सहन करते, मजबूरी बिल्कुल सही है। हाँ के कारण, सपोर्ट लेस होने के कारण। लेकिन मन से उनके कर्म चेतना चल रही है, मन से उनके अंदर बहुत संकल्प विकल्प वगैरह हो रहे हैं। और जिनके पास थोड़ा सामर्थ्य है वे तुरंत सोचते हैं मैं इसे दिखा दूंगा, आगे चलकर मैं इसको दिखा दूंगा, सबक सिखा के बिना नहीं रहूंगा। ठीक है, अंदर तो संबलितम दुख भुगत रहा है, संबलिता ने मिला हुआ है। हाँ, फिर भी मन में सोचता है मैं भी आगे चलकर इसको सबक सिखाए बिना नहीं रहूंगा, कहीं ना कहीं मेरे ट्रैक पर आएगा। और अन्य तरह तो उनसे भी अन्य एक तीसरी जीव राशि है, वे प्रक्षालित सकल मोह कलंकेन, संपूर्ण मोह रूपी कलंक का जिसमें प्रक्षालन हो चुका है और समुच्छिन्न कृत्स्न ज्ञानावरण तया, और संपूर्ण ज्ञानावरण के समुच्छिन्न होने के कारण अत्यंतम उन्मुद्रित समस्तानुभावेन चेतक स्वभावेन, अत्यंत उद्घाटित संपूर्ण प्रभाव युक्त चेतन स्वभाव जो है उनका केवल ज्ञान, उसके द्वारा समस्त वीर्यांतर क्षया साधित साधित अनंत वीर्य आपे, और संपूर्ण वीर्यांतराय के क्षय से अनंत वीर्य भी उनको प्राप्त हो चुका है, और अपि निर्जीर्ण कर्म फलत्वात्, और कर्म फल निर्जीर्ण होने के कारण अत्यंत कृतकृत्यत्वाच्च, और अत्यंत कृतकृत्य हो जाने के कारण भी स्वतो व्यतिरिक्त स्वाभाविक सुखम ज्ञानमेव चेतयन्त इति, अपने से अभिन्न जो स्वाभाविक सुख है उसका, और यह सुख रूप जो ज्ञान है उसी का वो वेदन करते हैं। ये भी एक दर्शन है कि निराकुल ज्ञान ही सुख है, कुंद कुंद आचार्य ने कहा है इसको, जम जम केवलम त्रिनाडम, ऐसी एक गाथा है प्रवचन सार में, तम सुखम चेव, ऐसे कुछ आगे लिखा है, आया महत्व है। आया उसको भी देख लेते एक बार, क्योंकि
ये ज्ञान और सुख इन दो गुणों पर बहुत बल दिया है कुंदकुंदाचार्य महाराज ने। और वैसे द्रव्य और भाव पर बल दिया है, ज्ञान और सुख पर बल दिया है, और तीन चीजों पर और, अपने चेतना, अनुभूति और उपयोग। ना गाथा क्रमांक 60 है। कुछ जम केवलम त्रिनाणम तम सोकम परिणमम च सोचेव खेदो तस्य न भणे दो जम्मा घादी खयम जादा। जो केवल ज्ञान है वही सुखरूप परिणमन है, और उसके खेद नहीं कहा गया है क्योंकि घाती कर्म क्षय को प्राप्त हो चुके हैं। तो इस तरह ससाधन मस्तान में 12 बृंद प्रत्यय संबंधी भंगों का जोड़ 1,002,114 इतने भंग बनते हैं। इंदी चौरो काया गुहाई चौके वेदोय अस्साई दुयम जोगो 13 सावंत ते ही वो 13 का स्थान बता रहे हैं, 13 प्रत्यय वाला। अथवा सासदुणस में गिन इंद्रिय 1 काय 4 क्रोधादि कषाय 4 वेद 1 हास्यादि युगल 1 और योग 1, इस तरह 13 बंद प्रत्यय होते हैं। चार काय 4 ले रहे, कैसे अच्छा तीन स्थावर और एक त्रस, अग्नि कायिक और फिर वायु कायिक छोड़ के इंद्रिय ठीक तिन्नीय काया कुहाई चौके वेदोय हस्साय दुयम एयम भय दुयम जो होय। अथवा इंद्रिय 1 काय 3 क्रोधादि कषाय 4 वेद 1 हास्यादि युगल 1 भय द्विक में से 1 और क्रोध 1, ये 13 बंध प्रत्यय होते हैं। इंदी दोन्य काया ओहाई चौके वेदोय अस्साई दोयम एयम भय जो ए जो कोई। इंद्रिय 1 काय 2 क्रोधादि कषाय 4 वेद 1 हास्यादि युगल 1 भय युगल और योग 1, इस तरह 13 बंध प्रत्यय होते। सब मिला करके 13 बंध प्रत्यय स्थानों में भंग जो बन रहे हैं वो 1,27,000 680 भंग। तो कुछ इन तीनों प्रकारों के उक्त दोनों विवक्षाओं से भंग निम्नलिखित, तो वहां पर 1,27,680 वही है। इंद्रिय पंचय काया कोहाई चौके वेदोय अस्साई ज्वेल मेयम जोगो 14 सावन ते ही। सासदुमस्तानु इंद्रिय 1 काय 5 क्रोधादि कषाय 4 वेद 1 हास्यादि युगल 1 और योग 1, ये 14 बंध प्रत्यय होते हैं। इंदी चौरो काया कोहाई चौके वेदोय अस्साई द्वयम एयम भय द्वयम एयम च जेहि जो भूय। अथवा इंद्रिय 1 काय 4 क्रोधादि कषाय 4 वेद 1
आस्यादि युगल एक, भय द्विक में से एक और योग एक, ये 14 बंध प्रत्यय। इंदि तिन्नीय काया को हाई चौके वेदोय अस्यादिद्वयम् एयम् भय ज्वेलम् एक जो ए यजो गोय। अथवा इंद्रिय एक, काय तीन, क्रोधादि कषाय चार, वेद एक, आस्यादि युगल एक, भय युगल और एक योग, ऐसे 14 बंध प्रत्यय। फिर इनको पूरा जोड़ लेने पर 1,21,144। हिंदी छक्के काया को हाई चौक ए वेदोय असाई ज्वेल मेयम जोगो पंडरस पच्चया सादे। अथवा शासदरुण स्थान में, इस सादे का अर्थ शासदरुण स्थान है। शासदरुण स्थान में इंद्रियों इंद्रिय एक, काय छह, क्रोधादि कषाय चार, वेद एक, असद एक और योग एक, ये 15 बंध प्रत्यय होते हैं। इंद्रिय पंचय काया गोहाई चौक ए वेद हुई असाधि जो एलमे भय जुएम एम च जो गोय। अथवा इंद्रिय एक, काय पांच, क्रोधादि कषाय चार, वेद एक, हास्यादि युगले भयादि द्विक में से एक और क्रोध और योग एक, ये 15 बंध प्रत्यय होते हैं। 15 बंध प्रत्ययों के भंग बता रहे। इंदी चौरो काया ओहाई चौक ए वेद हुई असाई द्वयम भय एयम भय ज्वेलम ए अजोगोय एक जोगोय। इंद्रिय एक, काय चार, क्रोधादि कषाय चार, वेद एक, अस्याद युगल एक, भय युगल और योग एक, ये 15 बंध प्रत्यय होते। फिर 16 बंध प्रत्यय वाला स्थान है। इंद्रिय छक्के काया को हाई चौक ए वेद हुई असाधुयम एयम भय दुये एयम 16 संजोगु। अथवा शासन अनुष्ठान में इंद्रिय एक, छह, काया छह, क्रोधादि चार, वेद एक, हास्यादि एक युगल में से एक, भय द्विक में से एक और योग एक, ये 16 बंध प्रत्यय होते। 16 प्रत्यय के और भंग होता है। इंद्रिय पंचे काया ओहाई चौक ए वेद हुई असादि ज्वेलमेयम भय ज्वेलम 16 संजोगो। इंद्रिय एक, काय पांच, क्रोधादि कषाय चार, वेद एक, हास्यादि युगल एक, भय युगल और योग एक, ये 16 बंध प्रत्यय। सब भंगों को जोड़ दें तो फिर 14,592। फिर 17 प्रत्यय वाले गाथा है। हिंदी छक काया ओहाई चौक ये वेद हुई असाद्यम एयम भय ज्वेलम 70 रसजोगु। शासन अनुष्ठान में इंद्रिय एक, काय छह, क्रोधादि कषाय चार, वेद एक, आस्यादि युगल एक, भय युगल और योग एक, ये 17 बंध प्रत्यय भी। सासादनुष्ठानस भंगा समत्ता, यहाँ पर शासन स्थान संबंधी भंग समाप्त हुए। कुल मिलाकर के भंगों की संख्या 4,59,648 हुए। हाँ इसके बाद फिर शासादन सम्यक दृष्टिकोण स्थान का वर्णन आएगा। अभी इतना ही रखते हैं। जय नम जय तुशासन।